तो जाते जाते एक और सीन हो गया आज भाई। टैक्सी वाला हमारे को मिला, एक तो मोटा ही जाजी था वो। हाँ। बंदा ऐसा था, ये देखो अपनी गाड़ी। सो हेलो देवी और सजनों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो के साथ। तो हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके हाजिर हैं। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी एकदम बढ़िया ही होंगे और बढ़िया ही रहने चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो है हमारा, तो हम आज जो है आपको हॉस्पिटल के बारे में कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। जैसे कि आप, हम यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह में हमें कुछ भी हो जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ भी आती है, तो हम हॉस्पिटल में कैसे जाते हैं। और तो आज का दिन कुछ ऐसे स्टार्ट करेंगे हम। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने काम के लिए, काम का सिलसिला सब खत्म करके उसके बाद जाएंगे हम हॉस्पिटल में। एक्चुअली हॉस्पिटल के बारे में जो मैं आपको नॉर्मल सी वीडियो में बता सकता हूँ, एक्चुअली पूरा डिटेल में नहीं बता सकता क्योंकि वहाँ पे वीडियो शूटिंग करना अलाउड नहीं है। तो इसके लिए हम आपको जो है यहाँ से ही सब कुछ बता देंगे और आपको मेन गेट जो बताएंगे नॉर्मल इतना सा शूट करके बता देंगे, ठीक है। यहाँ का जो मेडिकल सिस्टम है वो हमारे लिए थोड़ा सा अलग है क्योंकि हमें यहाँ पे हॉस्पिटल जो कंपनी हमारे लिए रिकमेंड करते हैं हमें वहाँ पे जाना पड़ता है और उसके पहले जो है हमें अपॉइंटमेंट वगैरह A to Z सब कुछ क्लियर करके फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। तो हमारी अपॉइंटमेंट वगैरह सब कुछ फिक्स हो चुकी है। तो आपको मैं बता दूँ अपॉइंटमेंट वगैरह A to Z सब कुछ क्लियर, तो मैं आपको बताऊँ कि हम हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं। तो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं एक्चुअली, हमारे जो हमारे दोस्त हैं यहाँ पे हमारे साथ, तो वो थोड़े से बीमार चले हुए हैं, तो उनके लिए हमारे को हॉस्पिटल में जाना है। तो साथ में मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ, जो आपको थोड़ी सी बेसिक सी नॉलेज जो मैं यहाँ के बता सकूँ कि यहाँ का हेल्थ सिस्टम कैसा है और मेडिकल सिस्टम कैसा है, हॉस्पिटैलिटी कैसी है। तो आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जो मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको हॉस्पिटल के अंदर शूट करके तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वहाँ पे इतने बड़े बड़े बैनर लगे हैं जिसमें लिखा है कि कैमरा नॉट अलाउड इनसाइड, ठीक है। तो जिसके लिए जो है मैं आपको बेसिक सा नॉलेज ऐसे ही बता दूंगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं। तो हम अब सीधा काम पे जाके मिलेंगे, काम पे थोड़ा सा वीडियो शूट करके हम सीधा आपसे मिलेंगे जाने के टाइम, ठीक है। पीछे हो जा, पीछे हो जा मेरे गुड़िये। हेलो मेरे साथियों, मेरे सज्जनों, मेरे प्रिय मित्रों। तो रात के बज रहे हैं 8 और 1 लाख। भाई क्या बोलते हो आप? और ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं अभी, ट्रेन आएगा और सारे लोग चले गए हमारी, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, आएंगे फिर बैठेंगे फिर जाएंगे। और क्या, रात ज़्यादा हो चुकी है। आज बड़ा हेक्टिक सा दिन था, पर इससे आगे शायद आपको मिल सकता है। आज हम हॉस्पिटल तक घूमने जाएंगे, तो दिखाते हैं आज का हॉस्पिटल और 1 लाख भाई के साथ, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अब थोड़ी देर में। ये ले लिया हमने अपनी आइसक्रीम और आइसक्रीम खा के अब चलेंगे हॉस्पिटल की तरफ, ठीक है। मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो रात का मौसम है बहुत तगड़ा और साथ में चली आइसक्रीम। तो भाई जान, फिर कैसा मोबाइल है? मस्त है, एकदम जबरदस्त है। मस्त है एकदम, मस्त है, ठीक है। पूरे इंजॉय ले रहे हैं भाई। तो अभी हमारा टैक्सी वाला हो गया बंदा गायब, पता ना किधर गायब हो गया। पैसे वगैरह कुछ ना दिए, बंदा गायब हो गया। पर जाते जाते एक और सीन हो गया आज भाई। टैक्सी वाला हमारे को मिला, एक तो मोटा ही जाजी था वो। हाँ। बंदा ऐसा था भाई, गाड़ी वो गाड़ी भाई स्क्रैप गाड़ी जिसको बोलते वो गाड़ी मिली थी आज पहली बार। बंदा हमारे को बिना लिए भग गया, मोटे हम अल्हम्दुलिल्लाह बच गए, नहीं जा कई जगह ठोकता वो भाई। अभी आते आते पहले ठोक दी उसने गाड़ी पर मोटे तरीके से, पैसे पूसे दिए नहीं, बस सलाम वालेकुम की बंदा भग गया। मोटा ही खतरनाक सीन। चलो देखते हैं अब अगले अच्छा के नाम पर गाड़ी था, बस खाली गाड़ी, लेकिन वो तो भाई जहाज था वास्तव में।
बाहर रहोगे तो मोटे तगड़े तगड़े एक्सपीरियंस मिलते हैं देखने को। अभी एक और तगड़ा था, चलो देखते हैं अगली टैक्सी कौन सी मिलती है। अभी वो भी जाजी मिलती है, कैसी मिलती है। मेन मंदिर मसाई ते हॉस्पिटल सीधा। ये मास्क लगवा दिए इन्होंने, हॉस्पिटल में लगाए थे हमने मास्क। पता नहीं कोई सीन हो गया होगा, तो कोई मरीज आया होगा, तो ऐसा ऐसा सीन था। दिखाते हैं फिर आपको सीन आगे का। फिर काले काले आ रहे हैं, हम देख रहे हो। यही टैक्सी है जिसकी मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले। दोबारा बंदा मार को ढूंढ डाट के लिए कहीं से, अंदर से देख रहे हो तो बाहर से क्या सीन होगा इसको सोच लो। ये देखो अपनी गाड़ी, यही बात है। रेड लाइट होगी बाबा सारी गाड़ियां रुक जाएगी, एक भी गाड़ी नहीं लगेगी जब तक ग्रीन लाइट ना हो जाए। देख रहे हो रेड लाइट, भाई साहब बंदे ने कहां कहां से ढूंढ डांट के हमारे को हॉस्पिटल में पहुंचा पहुंचू के वापिस ले आ दिया। फिर क्या सोचना चाहिए भाई जान, अगर दिन अच्छा ना जाए तो क्या सोचना चाहिए। दिन अच्छा नहीं जाए तो क्या सोचना, दिन अच्छा नहीं जाए तो सोचना कि भाई चलो उसने पहुंचा दिया हमारे को घुमा फिर आगे, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, चलो बंदे ने पहुंचा दिया वही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है पहुंचा दिया, और बाकी काम भी जो है बड़ी जल्दी जल्दी हो गया आज दिन का सारा ही, ठीक है। घूमने वाला हिसाब हो गया था हमारा तो। चलो तो देवी और सज्जनों अब हो गए दवाई दवाई लेके फ्री, उसके बाद से सीन ऐसा बना भी चलो खाना वाना खा के आते हैं। तो खाना वगैरह बन रहा है हमारा, आज खाएंगे हम अंडे का परोंठा, ठीक है। तो फिर खाना वगैरह खा के मिलते हैं, फिर आप लोगों से फिर सुनाते हैं आगे की बात भी हमने क्या क्या सीन किया। बंदूक के बालोबासी तुम्हें क्या मैं बालोबासी तुम्हें मातूर के मां हीरा नहीं मंदा हीराड़े हीरा ए बंदा नहीं मंदा पाड़ी बंदा पाड़ी बंदा।